आजकल वो बिजली का है। आप देखिए बिजली सुबह भी 2 घंटे, शाम भी 2 घंटा और रात को भी 2 घंटा, तो इसका मतलब है 6 घंटे ये बिजली लेते हैं दिन को। लेकिन फीस जो है दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं। इससे पहले 28% था, उसके बाद 23%, अब 28% है। जिनको जो कि अगर कोई 900 रुपये वो देता था उसको 1100 रुपये बढ़ने हैं, कोई 1100 उसको 1350 रुपये, कोई 1350 रुपये तो उसको अब 1000, 2000, 2500 हो गए हैं। मैं इनसे पूछ रही हूँ जो एलजी साहब है यहाँ पर, एक साइड से कह रहे हैं कि हमने अरबों खरबों और बहुत करोड़ों रुपए हम दिल्ली से लाते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप ये बताएं हमें, जबकि हमारी अपनी बिजली है वो कहाँ जाती है, वो कहाँ जाती है, वो किस पे वो इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ से जो हमसे हमारा खून चूस रहे हैं और बिजली के फीस के लिए सुबह शाम हमारी लाइनें यहाँ पे कश्मीर के, मैंने देखा खास तौर पे जो कश्मीर प्रोविंस है यहाँ की लाइन जो है लोगों की सुबह भी डिस्कनेक्ट, शाम भी डिस्कनेक्ट, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं उनको फीस भरो। जिसकी आमदनी 1000 नहीं है उसको 900 रुपये बिजली फीस आती है बिल, वो कहाँ से भरेगा? क्या इनको अगर चलाना है या अगर इनको नहीं चलाना है तो ये सीधे कहे सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें नहीं पता है किस तरह से गवर्नमेंट चलाई जाती है, तो इस्तीफा दे दे तो यहाँ पर जो पॉपुलर गवर्नमेंट वो आएगी, वो संभालेगी, वो लोगों की खिदमत करेगी, क्योंकि लोगों की खिदमत के लिए ही सरकारें बनती है। अगर इस वक्त एलजी साहब बैठे हैं उनको चाहिए वो लोगों की खिदमत करें, चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी से बाहर आए, लोगों को देखे क्या मुश्किल है। अभी आप दूसरा इशू जो बहुत बड़ा है वो है चावल का, आप देख लीजिए चावल में ये इन्होंने कहा 1 क्विंटल में हम 1 किलो चावल डालते हैं जो विटामिन की जो जिसकी भी कमी हो वो पूरा करेगा, ये कौन सा, ये कहाँ से इन्होंने लाया है? मैं लोगों से भी कहती हूँ और डायरेक्टर साहब से जिन्होंने पिछले दिनों ये कहा कि विटामिन सी विटामिन डी की जो कमी है उसे पूरी हो जाएगी, लेकिन क्या डायरेक्टर साहब को ये नहीं पता है या सेक्रेटरी कमिश्नर जो है जो फूड एंड सप्लाईज के है या जो चीफ सेक्रेटरी साहब है, क्या उनको पता नहीं है इन्होंने ये मशीन मेड लाया है प्लास्टिक का चावल, और उस प्लास्टिक चावल से क्या लोगों को हो जाएगा? यहाँ के हम के कश्मीर में हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में यहाँ का स्टोमक कैंसर बहुत ही दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? दिस हैपन्स ओनली बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि ये हमें खिलाते हैं पिलाते हैं वही जो मिलावट वाला है चावल आजकल दे रहे हैं। अगर ये इतने ही है, इनको इतनी हमदर्दी है लोगों के साथ कि लोगों को वाइटामिन की कमी है, ये हर एक जो हमारे यहाँ पर जहां पर चावल तकसीम करते हैं फूड एंड सप्लाईज के डिपार्टमेंट को, उनको वाइटामिन की टैबलेट्स दे फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको वाइटामिन डी की टैबलेट्स रखे वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट, वाइटामिन डी वाइटामिन सी, ताकि लोगों को लगे गवर्नमेंट दवाई की सूरत में ये हमें दे रहे हैं, इमदाद कर रही है, लेकिन चावल तो सही दे। आप देख लीजिए, मैं गवर्नर साहब से कह रही हूँ वो देखे, चीफ सेक्रेटरी साहब से कह रहा हूँ जो फूड एंड सप्लाई के कमिश्नर है उनको देखना चाहिए, क्या बाहर के स्टेट्स में भी ये चावल है? नहीं है, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस राइस, क्योंकि क्यों नहीं वो राशन ये एक्सेप्ट, क्योंकि उनको पता है ये मिलावट वाला है, इसे कैंसर हो जाएगा, लेकिन ये चाहते हैं। यहाँ के इक्तिसादियात एक तो खराब की है, जीएसटी हमारा लिया, जीएसटी खत्म किया, और वो हमारा सारा जो टैक्सेस है वो अपनी दिल्ली वाले अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, और दिल्ली वालों के जब हमें पैसों की जरूरत है हमें यहाँ से हाथ फैलाकर उनके पास जाना है, हमें पैसे दीजिए, हमारे अपने पैसे हैं, वो जो बिजली में उसमें बढ़ावा कीजिए, और 6 घंटे के बदले में 2 घंटे ले लीजिए, क्योंकि अभी तो नवंबर का ही महीना है।